फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सोल। दिस इज़ शालिनी और आज है 17 दिसंबर। मैं आ गई हूँ छत पर अपने गार्डन का एक छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मतलब दिखाने वाली हूँ आपको अपने कैक्टस स्टैंड्स। वैसे तो मैंने रील बना के डाली थी, एक आपने देखी होगी, बट फिर भी देखिए ये दो स्टैंड मैंने बनवाए हैं। आप देखिए इसमें मेरे काफ़ी सारे कैक्टस आ गए हैं। और इससे बेनिफिट हुआ कि कम स्पेस में मेरे ज़्यादा प्लांट्स आ गए, तो मेरे पास काफ़ी जगह भी बच गई है और प्लांट्स ऐड करने के लिए। और ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और अब क्या है कि प्रॉपर दिख भी रहे हैं, पहले क्या होता था दूर हो जाता था कैक्टस। अब देखिए इसमें, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट आर दीज, इनकी रूट्स हैं या क्या है ये, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, बट विद द टाइम देखते हैं क्या है। देखिए और ये तो अभी तक मेरा मामिलेरिया प्लोमोसा में अभी तक फ्लावरिंग हो रही है, एक दो फ्लावर्स खिलते ही रहते हैं इसके। तो आई होप आपको भी अच्छे लगे होंगे मेरे स्टैंड्स। और नीचे मेरे सारे अडेनियम सीडलिंग्स रखे हैं मैंने, क्योंकि अभी विंटर के फॉक्स से इनको बचाना है, तो ये सब भी मैंने यहीं रख दिए हैं ताकि इनको थोड़ा धूप भी लगती रहे, फॉक्स से भी सेफ रहे। तो आज की वीडियो का मेन अट्रैक्शन तो मेरे कैक्टस स्टैंड्स ही हैं। कैक्टस इधर से क्लियर दिख रहे हैं। ये फोर्बिया की वैरायटी है। और ये मेरा है, दिस इज कॉल्ड वाइट कॉस्ट। ये अगावे है, ये अगेन मलेरिया की वैरायटी है। अमेज़न अभी भी फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है इनमें, देखिए। वैसे तो अब डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट ही हो गया है। ये मेरा मधु कामिनी, देखिए कितनी बर्ड्स हैं इसमें। सारे ही एक साथ खिल जाएंगे, अभी थोड़े से तो खिल गए हैं, लेकिन अभी ये सारे एक साथ खिलेंगे तो पूरा गार्डन मेरा महकेगा। पिटोनिया भी खिलने लगे हैं। क्रिसेंथेमम कॉर्नर, और अब इनमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए कितने सुंदर शेड है, और इनमें तो इतने कलर आते हैं ना कि आप कितने चाहे ऐड कर लीजिए, आप कभी भी मन नहीं भरेगा आपका तो मेरे पास तो लेकिन ये 4 शेड्स में ही है इस बार, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास और लगाने की।
तो जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो 4 शेड्स में निकले हैं। ये देखिए कितना प्यारा शेड है। अब ये सारे खिल जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये है बुश क्लॉक वाइन, इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब तो धीरे धीरे ना सब विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से। ये था मेरे गार्डन का एक छोटा सा अपडेट। देखिए आई एम ट्राइंग टू शो यू कंप्लीट व्यू ऑफ माई टेरेस गार्डन। सो कैसा लगा आपको मेरा गार्डन और मेरी वीडियोस? रोज तो बीइंग अ वर्किंग वुमेन मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं बस रंगोली ही बना पाती हूँ, वही शेयर करती हूँ डेली। बाकी कोशिश करूँगी कि अभी कुछ मेरे प्लांट्स आने वाले हैं, ओबियसली कैक्टस, तो उस पर मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं उनको ट्रांसफ़र करूँगी पॉट्स में। तो वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर संडे, हैप्पी गार्डनिंग।